हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद आखिर क्यों गुस्से में तमतमा गई हैं तापसी पन्नू और सिंगर सोना महापात्रा। आखिर ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से तापसी पन्नू बिफर गई हैं और सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए काफ़ी कुछ कह दिया है। कम शब्दों में ही सही, लेकिन तापसी पन्नू ने सिर्फ एक लाइन लिखी है कि यही देखना और यही सुनना बाकी था। आखिर ऐसा क्या कर दिया है हाईकोर्ट ने? हम आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मैरिटल रेप मामले में एक टिप्पणी की है, जिसे लेकर अपने बोल्ड और बेबाक बयानों के लिए जाने जाने वाली एक्ट्रेस तापसी पन्नू और सिंगर सोना महापात्रा ने नाराजगी जताई है, गुस्सा दिखाया है और गुस्से में काफ़ी कुछ सोशल मीडिया पर लिख दिया है। क्या कुछ है पूरा मामला मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप सब्सक्राइब कर लें नवभारत टाइम्स ऑनलाइन और नवभारत टाइम्स एंटरटेनमेंट। तो आपको बता दें कि अपनी बेबाकी के लिए मशहूर एक्ट्रेस तापसी पन्नू ने और सिंगर सोना महापात्रा ने छत्तीसगढ़ रायपुर हाईकोर्ट की हालिया टिप्पणी पर हैरत जाहिर की है। हाईकोर्ट ने एक केस की सुनवाई करते हुए कहा था कि पत्नी के साथ उसकी बिना मर्जी के जबरन शारीरिक संबंध बनाना रेप नहीं माना जा सकता। एक 37 साल की महिला ने अपने पति पर जबरन सेक्स करने, मारपीट करने और दहेज की मांग करने का आरोप लगाया था। कोर्ट ने इसी मामले की सुनवाई में यह टिप्पणी की थी। तापसी ने इस मामले में एक न्यूज क्लिप को शेयर करते हुए अपने ट्वीट में लिखा, बस अब यही सुनना बाकी था। कोर्ट की इस टिप्पणी पर मशहूर सिंगर सोना महापात्रा ने भी नाराजगी जाहिर की है। सोना ने ट्वीट करते हुए लिखा, इसे पढ़कर मुझे जो घटियापन महसूस हो रहा है उसे मैं यहाँ लिख नहीं सकती। काम की बात करें तो तापसी पन्नू पिछली बार विक्रांत मैसी और हर्षवर्धन राणे के साथ फिल्म हसीन दिलरुबा में नजर आई थी। अब जल्दी तापसी की फिल्में लूप, लपेटा और रश्मि रॉकेट रिलीज होंगी। इसके अलावा तापसी अनुराग कश्यप की फिल्म दोबारा और खुद के प्रोडक्शन के तले बनने वाली फिल्म ब्लर में भी नजर आएंगी। मैरिटल रेप केस पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की ये जो टिप्पणी है, इस पर बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस ने अपना रिएक्शन दिया है और यह रिएक्शन काफ़ी तीखा है, गुस्से से भरा है, क्योंकि एक्ट्रेसेस गुस्से में तमतमा गई हैं। इस पूरे मामले में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें नवभारत टाइम्स ऑनलाइन और एंटरटेनमेंट से जुड़ी तमाम खबरों के लिए फटाफट सब्सक्राइब कर लें NBT एंटरटेनमेंट। नमस्कार।